के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बंगाल की तरह यूपी में चुनाव के दौरान नहीं हुई हिंसा, फिर बन रही है मोदी सरकार। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने पत्नी संग किया मतदान, कहा 300 प्लस सीट लेकर संसद में पहुंचेगी भाजपा। जनपद में 56% मतदान, गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर लौटी पोलिंग पार्टियां, अर्धसैनिक बलों की निगरानी में रहेगी ईवीएम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने अपनी माताजी के साथ किया मतदान, कहा मतदान कर निभाया दायित्व। जिला प्रशासन और गोरखपुर न्यूज का मुहिम लाया रंग, महानगर के बाहरी वार्डों में जमकर बरसे वोट, लोगों ने कहा विकास के नाम पर किया है मतदान, दिव्यांगों ने भी किया मतदान का प्रयोग, मतदान शुरू होने से पहले एजेंटों के समक्ष किया गया मॉक पोल। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने अपना वोट डालने के बाद कहा, 5 साल में एक बार मौका मिलता है मनपसंद प्रतिनिधि चुनने का। लोकसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए गोरखपुर न्यूज के वोट फॉर सेल्फी मुहिम में मतदाताओं ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा, चैनल ने भी दर्शकों की सेल्फी को तत्काल किया प्रसारित। रवि किशन शुक्ला ने किया दावा, ऐतिहासिक जीत दर्ज कर रही है बीजेपी, कहा गोरखपुर योगी और बीजेपी का गढ़ है और यहां से किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो अपना पेश करे दावा। डीएम और एसएसपी ने किया विभिन्न बूथों और गोरखपुर विश्वविद्यालय में ईवीएम को जमा करने के लिए बनाए गए स्टालों का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम में मतदाता और मतदान कर्मी लेते रहे पल पल की जानकारी, अपर आयुक्त ने कहा चाक चौबंद है व्यवस्था। जिले के 313 संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदेय स्थलों की वेबकास्टिंग के माध्यम से रखी गई निगरानी, नहीं मिली कोई गड़बड़ी की सूचना। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया मतदान, कहा सोने पर सुहागा है रवि किशन, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी बीजेपी। एसपी सिटी करते रहे मतदान स्थलों का निरीक्षण, कहा सुरक्षा की चाक चौबंद है व्यवस्था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है मतदान। और मतदान के दिन सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा।